गेट इधर था जैसे, तो गेट से उन्होंने ऐसे सिर लगा दिया यहाँ पे, और एक लकड़ी की रैक खड़ी थी वो यहाँ कर दी, और इतना सा यहाँ दीवाल है, यहाँ पे गेट है वो, मतलब इतना खुला हुआ था बस। बड़े आराम से मैं बड़ा अंदर मैंने देखा तो मतलब ख़त्म थे बिल्कुल। मुझे क्या हुआ बेटा, जल्दी आ जाओ बस। मैं वहाँ से एकदम भाग लिया, भागते भागते मैंने अपना फ़ोन, उनका फ़ोन कट करके दूसरा फ़ोन मिलाया, और भाग के मेन रोड पे मैं आया, मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा। दिल्ली में जो आपराधिक वारदातें हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की किसी न किसी कोने से आए दिन कोई ना कोई आपराधिक वारदात हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहाँ दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। और अगर आपको उन्हीं खबरों की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पे टाइम टू टाइम चाहिए तो तेज तरार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि तेज तरार से जुड़ी हर एक खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी को लेकर मैं मौजूद हूं दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में, जहां से एक ऐसी ही घटना हमारे सामने आई है। जी हां, एक 53 वर्षीय औरत को उसी के गोदाम में जो है उन्हीं के कारोबारियों ने कैंची घोंपकर जो है उनकी हत्या कर दी। इसी को लेकर आइए एक बार उनके परिजनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था पूरा मामला। हमारे साथ इस वक्त मृतका के पति मौजूद हैं, आइए एक बार उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजपाल बोध है जी। जी सर, आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि क्या था पूरा मामला? पूरा मामला तो ये था मैम, सोमवार का दिन था, मेरा बेटा सुबह बाजार लगाने गया, सोमवार बाजार लगता है लोनी में 9 बजे करीब, और मैं 1:30 बजे लंच लेके गया बेटे का। उसके बाद मैं करीब 6:30 बजे मुझे हमारे जो लड़के की बहू है उन्होंने का फ़ोन गया शाम के 6:30। हाँ जी, तो उन्होंने फ़ोन करा, मैंने कॉल सुनी, मेरे पापा घर आ जाओ जल्दी से। मुझे क्या बात होगी बेटा, मम्मी को कुछ हो गया। मुझे क्या हुआ बेटा, जल्दी आ जाओ बस। मैं वहाँ से एकदम भाग लिया, भागते भागते मैंने अपना फ़ोन, उनका फ़ोन कट करके दूसरा फ़ोन मिलाया, और भाग के मेन रोड पे मैं आया, मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा, ऑटो सीलमपुर जा रहा था वो, और मैं उसमें चलते चलते मैं उससे बात करके मैं उसमें बैठ गया। मैंने कहा भाई मुझे मेट्रो पे छोड़ दियो, सवारी मत बैठाना, 50 रुपये मैं दे दूँगा। कह रहे ठीक है अंकल। फिर मैं फ़ोन कॉल चल रही थी, मैं स्पीकर खोल रखा था तो बात कर रहा था। मैंने कहा भैया कोई गली में ना है, मैंने कहा गली में कोई हो बुला लो, ना हो तो मैंने कहा जल्दी से किसी की बाइक पे या कहीं पे गाड़ी वाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल में ले आओ, रोड पे यहाँ हॉस्पिटल है, मैं कहा यहाँ भर्ती कर दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो आपको फ़ोन पर नहीं बताया गया था कि क्या हुआ है? कह लगे नहीं, हमारे मेहमान आए थे जीजा, तो वो कह लगे उनका नहीं आप घर पे आ जाओ, घर पे बताएं, घर से चलेंगे। ठीक है, मैंने ऑटो वाले से बोला, मैंने कहा भैया घर पे ले चलो। नो ठीक है अंकल। यहाँ आके मैंने देखा गली के सामने, ऑटो में से उतरते मैं भागा, यहाँ आया, पुलिस की काफ़ी मतलब पब्लिक थी, और मैं वहाँ जाके देखा मैंने गेट के सामने, गेट बंद था, मैंने कहा यहीं पर होंगी कहीं भीड़ में ही, तो वहाँ कुछ नहीं था। मैं कहाँ है, एक लड़का था यहाँ पे कुलदीप नाथ, वो कह लगा अंकल घबराओ मत ना, इधर आओ। तो हम अंदर गए तो वहाँ पे इतना सारा खून पड़ा था। इसी इलाके में हुई है वो वारदात जी? इसी इलाके में हुई है वो वारदात बेटा? यहाँ पे ये जो गेट लग रहा है, हाँ जी, ये मेरा घर है, वो भी अपना ही है, उधर काम है, वो गोदाम है कपड़े का जहाँ पे मर्डर हुआ। तो उन लड़के ने मुझे बड़े हिसाब से दिखाया, थोड़ा सा गेट खुल रहा था इतना, तो उन्होंने बाहर वाला जो रूम है उसमें ख़त्म करी, उनको मारा, खून तो वहीं निकल गया तो थोड़ा बहुत ही बचा, फिर वो खींच के अंदर ले गए, तो गेट इधर था जैसे, तो गेट से उन्होंने ऐसे सिर लगा दिया यहाँ पे, और एक लकड़ी की रैक खड़ी थी वो यहाँ कर दी, और इतना सा यहाँ दीवाल है, यहाँ पर गेट है वो, मतलब इतना खुला हुआ था बस। बड़े आराम से मैं बड़ा अंदर मैंने देखा तो मतलब ख़त्म थे बिल्कुल, कोई उनके अंदर सांस नहीं चल रही थी।
तो किन किन लोगों ने किया ये काम, आप उन्हें जानते हैं? हाँ मैम जानते हैं। कौन थे सर वो? वो लड़के का एक का अमन नाम है और एक वो है टिंकू। अच्छा। हाँ जी वो हमारा काम करते थे, हम पैंट की सिलाई करवाते थे उनसे। अच्छा, हाँ। आपके अंडर काम करते थे वो? हाँ जी हाँ, लोनी बलराम नगर में। तो वो यहाँ पे बोरा मांगने के लिए आया। अच्छा। पहले 3:30 बजे आए हुए, तो जो हमारी मिसेज थी वे और उनके दो बहन और बहू, वे चारों एक जगह बैठी थी ग्रिल पे। तो उन्होंने कहा नो आंटी हमें बोरे दे दो। उन्होंने कहा भैया बोरे ना है, बोरे तुम्हारे पास चले गए। उन्होंने नहीं आंटी माल गंदा हो रहा है, माल ढकना जो हमारे यहाँ पे गया हुआ है। तो वे मानने ना दो थे वे। उसके बाद में उन्होंने अपनी बहन से कहा छोटी से, उन्होंने लाली ने चाबी ले जा और वहाँ बोरे दे दो। कितने लोग आए थे कुल? दो थे जी। उसके बाद उन्होंने ताला खोला और उन्हें दिखा दिया, उन्हें देख लो बोरे कहाँ हैं। अच्छा, आपकी जो जो मतलब जो आपकी वाइफ थी उन्हें वो जानती थी उन लोगों को जो आया काम से? हाँ जी हाँ। तो हमारी वाइफ की जो है बहन आई है, उन्हें भेजा उन्होंने। हमारी जो वाइफ थी वे बड़ी थी, जिनको भेजा वे छोटी थी। वे आई, उन्होंने लॉक खुलवाया, उसी लड़के को चाबी दे दी, बल्कि उन्होंने खोला अपना भी। तो वहाँ पर उसे बोरे चाहिए नहीं थे, तो उसने तो वैसे ही अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी। मैं देख दाख के कह लगा नो आंटी बोरे नहीं आया, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा बाद में आऊँगा कभी। नो ठीक है। तो उसने मास्क लगा रखा था यहाँ पर। हाँ जी हाँ। और उसके यहाँ पर कुछ चोट वोट सी भी लगी हुई है। वो तो मुझे जैसे मैं आया तो मुझे बताया उन्होंने। उसके बाद में फिर वो 5 बजे करीब आया, फिर जो वो सीन उसने जब करा था, फिर वो जब ये आवाज़ थी उसने, तो वे छोटी वाली तो अपने घर चली गई थी, एक बहन इधर चली गई एक इधर चली गई। फिर वे आई 5 बजे, उन्हें लड़की को लेकर आना था ट्यूशन से, वो भी टाइम हो रहा था। फिर वो आगे से मैं बोरा भी दे दूँगी और लड़की को भी लेऊँगी। तो फिर वे लड़की को लेने नहीं गई, तो पहले गेट पास में था तो पहले यहाँ गई। वे घुसते ही अब पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, देखो कुंडी लगाई होगी जब भी मर्डर हुआ, कुंडी नहीं लगाता तो वे संभालने में नहीं आती, इतनी कमज़ोर नहीं थी, मतलब उनसे सही थी लड़कों से। वे तो लड़के ही तो थे, एक तो लड़का ऐसा था ये इसके जैसा था, बिल्कुल कमज़ोर सा बिल्कुल नूर। ये हुआ जी। तो क्या उनकी कोई आपसे दुश्मनी थी, आपसे कोई रंजिश थी? दुश्मनी तो कुछ भी नहीं थी। किस चीज़ का उन्होंने बदला लिया, आपको कुछ लग रहा है कि किस चीज़ का लिया है बदला? लग रहा था बस, हो सके पैसे की कुछ वो हो प्रॉब्लम। पैसे मांग रहे थे? नहीं पैसे तो मेरे ही थे उन पे। हाँ जी। तो आप उनके बेटे हैं जी? आपका नाम सर? राहुल। तो सर आप हमें घटना का समय बता सकते हैं कि किस समय हुई थी यह घटना? मैं यहाँ पे था नहीं जब हुई थी, मुझे बाद में पता चला है, 5 बजे की बात है। शाम के 5 बजे? हाँ शाम के 5 बजे की बात है। तो आपको और कुछ पता चला इस मामले में कि जो जिन्होंने मारा है वो, हमने सुनने में आया है कि आप ही के काम करते थे आपकी यहीं पर ही, तो उस बारे में आपको कुछ सुनने में मिला? नहीं वही उन्हीं का ही काम है, क्योंकि वही बंदे आए थे घर पर, सब जानते भी हैं उन्हें, तो जान पहचान है, तो इसीलिए वो उतर के आई थी मम्मी, क्योंकि कोई गैर होता तो फिर आती नहीं। कि वाइफ ने भी देखा है कि जो बंदा आया आता जाता रहता है, बंदा काम ही है उनका, तो जानने वाले बंदा है वो। तो आप देख सकते हैं कि यही वो गोदाम है जहां पर इस खौफनाक घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। और इसके बाद हमने उनके परिवार के सदस्यों से बात की और उनसे बात करके उन्होंने हमें बताया कि किस तरह शाम के 5 बजे के आसपास जो है उन्हें मारा गया था। जिन्होंने मारा है हम आपको बता दें, उन्हीं के फैक्ट्री में जो है वो काम करते हैं, उनमें से एक उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता है और बाकी दो जो लोग थे वो उसी के दोस्त थे। और अभी हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि हमें ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उनकी कोई आपसी दुश्मनी है, क्योंकि काफ़ी समय से उन्होंने कुछ ऐसी मांग भी नहीं की थी, ना पैसों की मांग की थी। तो अभी जो ये घटना उन्होंने करा है, हादसा जो हुआ है, ये एक रहस्य बन के रह गया है इन लोगों के लिए भी कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि इन्होंने उन्हीं के जो घर की महिला है उसके ऊपर इस तरह से वार किया कि उसकी जो है हत्या हो गई। आप भी अपनी पूरी राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेजतर्रार न्यूज़ दिल्ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।